Okay, in this session, I provide a facility of change password. तो मैं एक change password की facility user main screen को देना चाहता हूँ. तो जैसे मैं यहाँ पर इसके edit text में गया और last में एक ये sign लगा दिया for separator, separation reason, एक menu add किया. I give the option settings और I give menu सेटिंग्स की ऑप्शन दी और इसका हम फ़ॉन्ट साइज चेंज कर लेते हैं. तो आई गिव कंसोला बोल्ड, तो ये फ़ॉन्ट साइज चेंज कर लिया. यहाँ हम एक मेनू आइटम एड ऑन कर रहे हैं और उस मेनू आइटम को हम प्रॉपर्टीज़ में जाके चेंज पासवर्ड का फीचर दे रहे हैं. यानी यूज़र जिस यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन है वो पासवर्ड को चेंज कर सके. और इसका भी एक शॉर्टकट दे देते हैं, कंट्रोल जी मैं इसका शॉर्टकट दे रहा हूँ. ठीक है, तो आप जैसा मर्जी शॉर्टकट इसको प्रोवाइड कर सकते हो. और आइकन्स में हम एक एडिट वाला आइकन स्पेसिफाई करते हैं. आइकन आप जैसे मर्जी दे सकते हो. ठीक, अब फॉर दैट ऑन क्लिक दिस, ये चेंज पासवर्ड का नाम नहीं चेंज किया मैंने, इसका प्रॉपर्टीज में कोड में जाके इसका नाम दे दो, JMI चेंज पासवर्ड. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक चेंज पासवर्ड का इंटरनल फ्रेम क्रिएट करना चाहता हूँ. सिंपली गिव द नेम चेंज पासवर्ड फ्रेम. तो जैसे ही यूजर मेन स्क्रीन पे क्लिक होता है, ठीक है, और ये यहाँ पर आके ऑपरेशन शो इंटरनल फ्रेम डैश पेन न्यू चेंज पासवर्ड का ऑप्शन है. सी, चेंज पासवर्ड करते हुए आपको एक ऑप्शन देनी है स्ट्रिंग यूजर नेम, क्योंकि जो यूजर नेम वहाँ सेलेक्टेड है वो यहाँ पास ऑन करता है. तो आपने चेंज पासवर्ड फ्रेम का कंस्ट्रक्टर बनाया, दिस इज अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को इंटरनली कॉल करता है और दिस यूजर नेम में हम ये यूजर नेम सेट कर देंगे. तो जो यूजर मेन स्क्रीन के पास हमने लॉग इन फ्रेम से पहुँचाया था वो यूजर नेम यहाँ पहुँचा.